पूरा पान इंडिया के अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को माल उधार पे चाहिए तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी विकास शर्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ गुजरात के मोरबी में, जो कि टाइल्स सिटी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर टाइल्स बनती है और आज मैं आपको इस मोरबी शहर के प्लेटिना वर्टिफाइड टाइल्स फैक्ट्री का टूर करवाऊँगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मोरबी की टाइल्स इंडस्ट्री किस तरह से यहाँ पर टाइल्स और यहाँ पर दूसरे और उत्पाद तैयार करके देश की जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान देती है। उसके साथ ही मैं जो आपको फैक्ट्री में लेके आया हूँ, वहाँ के जो ओनर है सुरेश भाई, उनसे भी आपसे मिल उनसे आपकी मुलाकात कराऊँगा और पूरी फैक्ट्री का टूर करवाऊँगा कि किस तरह से यहाँ टाइल्स मैन्युफैक्चर होती है, किस तरह से ये जो टाइल्स तैयार रखी हुई है ये बनती कैसे हैं। ये देखिए उनकी फैक्ट्री का यहाँ पर रिसेप्शन एरिया ऑफिस का। हेलो सर, आप जैसे कि देख पा रहे बेहतरीन यहाँ इंटीरियर डिजाइन किया हुआ। और इसके बाद आप आएंगे, ये अलग अलग यहाँ पर केबिन बने हुए हैं। यहाँ इस तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इधर अकाउंट्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट, कोई देखता है, कोई एक्सपोर्ट देखता है, इस तरह से अलग केबिन है। और ये कंपनी के को फाउंडर एंड सीईओ एंड एमडी सुरेश भाई का केबिन है। तो चलिए ये यहाँ पर आइए, आइए बैठे हैं सुरेश भाई। सो फ्रेंड्स, अब आपको सुरेश भाई अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे और अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे। तो बताइए सुरेश भाई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश पटेल, बेसिकली मैं गुजरात मोरबी से हूँ। मैं 2004 से सिरामिक टाइल्स से जुड़ा हुआ हूँ। हमने सबसे पहले 2004 में पेंगुइन सिरामिक नाम से सिरामिक टाइल्स का फैक्ट्री स्टार्ट किया। वहां पे हम 8-12 साइज का टाइल्स बना रहे थे। धीरे धीरे टाइल्स इंडस्ट्री के अंदर जैसे जैसे मार्केट में चेंज हुआ, वैसे वैसे हमने भी अपनी कंपनी के अंदर चेंज किया, अलग अलग साइज बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद 2012 में हमने प्लेटिना वर्टिफाइड नाम की फैक्ट्री स्टार्ट की। वहां पे हम 2x2 नैनो टाइल्स का प्रोडक्शन कर रहे थे। उसके बाद हमने वही कंपनी के अंदर डबल चेयर टाइल्स का प्रोडक्शन किया। उसके बाद आज हमारी कंपनी हर तरीके के टाइल्स एंड साइज बना रही है और मार्केट पूरा पान इंडिया एंड एक्सपोर्ट मार्केट में हर सिटी के अंदर अपना डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है। मगर मैं अपने प्रेक्षकों को कहना चाहता हूँ कि कोविड के पहले टाइल्स इंडस्ट्री जो स्थिति थी और उसके बाद जो मार्केट है उसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ। कोविड के पहले सिरामिक टाइल्स इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरर पूरे पान इंडिया के डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को उधार पर माल बेच रहे थे, मगर आफ्टर कोविड के बाद पूरा चेंज मार्केट हो चुका है एंड रॉ मटेरियल का रेट इतना बढ़ा, गैस का रेट बढ़ा और मार्केट का स्थिति पूरा आगे पीछे हो जाने के बाद हर मैन्युफैक्चरर ने अपने डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को उधारी देना बंद कर दिया। इसके लिए हर डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को टाइल्स मार्केट में टाइल्स बेचना बहुत मुश्किल हो गया। मगर इसी स्थिति के अंदर पेंगुइन सिरामिक एंड प्लेटिना वर्टिफाइड अपने डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करने के लिए आज पूरा पान इंडिया के अंदर कोई भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को माल उधार पे चाहिए तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ सिरामिक टाइल्स के नहीं, मगर कोई भी बिल्डिंग मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ हो और उसको टाइल्स का धंधा चालू करने का हो, उसको उधारी पे माल चाहिए तो पेंगुइन सिरामिक एंड प्लेटिना वर्टिफाइड उसको फुल सपोर्ट करेंगे और उसको उधारी पे माल मिल जाएगा हमारी कंपनी से। सर, आप जो आपका प्रोडक्ट क्रेडिट पे देने की बात कर रहे थे कस्टमर को, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या बेसिस पे आप देते हैं? नहीं, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि हम हर पार्टी को क्रेडिट दे रहे हैं, उसके पीछे हमारे पीछे एक बैकएंड सपोर्ट है। हम पश्चिम फिनटेक के माध्यम से सब पार्टी को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। पश्चिम फिनटेक क्या कर रहा है कि हमारी कोई भी पार्टी को क्रेडिट पे माल चाहिए तो हम उसके पास से बेसिक डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हैं। वो बेसिक डॉक्यूमेंट का पूरा एनालिसिस होगा, एनालिसिस हो जाने के बाद हम पार्टी को क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी कर रहे हैं।
वो क्रेडिट फैसिलिटी के बेस पे हम पार्टी को माल उधार पे दे रहे। जैसे मेरा इनवॉइस बनेगा तो इनवॉइस के सामने मेरे को डे वन पे पैसा मिल जाएगा और मेरे कस्टमर को उधार मिल जाएगा। तो ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे पश्चिम फिनटेक का साथ है। अब हमको सुरेश भाई अपनी फैक्ट्री का टूर करवाएंगे कि किस तरह से जो है टाइल्स बनती है और कैसे ये मार्केट में आती है। तो क्या सुरेश भाई आप हमें टूर करवाएंगे अपनी फैक्ट्री का? चलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पूरा टाइल्स इंडस्ट्री के अंदर टाइल्स कैसे बनाई जाती है उसका पूरा आपको दिखा रहा हूँ। चलिए आप मेरे साथ। टाइल्स बनने की शुरुआत यहाँ से होती है। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल ट्रकों के जरिए सबसे पहले यहाँ आता है और इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। और वो क्या होता है वो हमें सुरेश भाई स्वयं बताएंगे। बताइए सुरेश भाई। यस फ्रेंड, ये जो सिरामिक टाइल्स बनाने के लिए सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, मीन्स उसको हम आर्ट बोलते हैं, ये सब रॉ मटेरियल है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के 8 से 10 प्रकार का मिट्टी एंड पाउडर जो राजस्थान एंड गुजरात से आ रहा है, वो सब पाउडर एंड मिट्टी को मिक्स करके टाइल्स बनाया जा रहा है। फैब्रिक है जिसके अंदर जो भी पाउडर एंड मिट्टी रहता है उसको एग्जैक्ट वजन करके उसके अंदर डाला जाता है जी। वो सबसे पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है जी। ये देखिए, इसके बाद इस कन्वर बेल्ट के ऊपर इस मिट्टी एंड पाउडर को इस बॉल मिल के अंदर डाला जाता है जी। ये कन्वेयर बेल्ट देखिए आप, ये बॉयलर सीमेंट फैक्ट्रीज में भी होते हैं इस तरह के, ये यहाँ हम देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये बॉयलर पट्टियाँ है जी। तो सुरेश भाई इनमें क्या होता है? जैसे इसके अंदर जो मिट्टी एंड पाउडर रहेगा उसको मिक्स किया जाएगा जी। मिट्टी एंड पाउडर को डालने के बाद उसके अंदर पानी एंड केमिकल डाला जाएगा, उसके बाद उसको 7 से 8 घंटा रोटेट किया जाएगा जी। 7 से 8 घंटा रोटेट करने के लिए वो जो पाउडर एंड मिट्टी एकदम लिक्विड बन जाएगा। तापमान कितना होगा अंदाज से इसका? नहीं, इसके अंदर तापमान नहीं रहेगा, ये सिर्फ पाउडर एंड मिट्टी को मिक्सिंग कर रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पर मिक्स कर रहा है, ये मिक्स कर रहा है जी जी। इसके बाद जो है, इसके बाद ये जो मिक्सिंग, ये प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगा जी, और उसका टेस्ट हो जाएगा भाई ये प्रॉपर मिक्सिंग हुआ है जी। तो इसका जो मटेरियल उसका नीचे के टैंक में डाला जाएगा जी, अनलोडिंग किया जाएगा जी। ये मोटरें क्या काम करती है सुरेश भाई? हेलो, ये मोटर ये मोटर है, वहाँ पे नीचे टैंक है। अच्छा, कुआ है। हाँ। ये जो भी मिट्टी एंड पाउडर है टैंक में डाला जाता है जी। तो ये जो टैंक के अंदर मिट्टी एंड पाउडर मिक्सी का काम कर रही है फ्रेंड्स। ये जो जितने भी आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ इसके अंदर अंडरग्राउंड टैंकर है। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा देख पा रहे हैं इसमें, ये इसमें उनको मिट्टी को मिक्स करने का काम कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे मिक्सिंग हो जाने के बाद यहाँ से इस टैंक को उठा के वहाँ पे उसको डाला जाएगा सामने वाले टैंक के अंदर जी। वहाँ के उसके अंदर कलर मिक्सिंग होगा जी। ये देखिए, यहाँ पाइप के थ्रू ऐसे बड़े टैंक में यहाँ पे ये जो टाइल्स बनाने का जो लिक्विड रॉ मटेरियल होता है वो इस टैंक में जाता है। वहां से जो पाइप के जरिए रॉ मटेरियल आया था वो आगे कैसे प्रोसेस होता है बता रहे हैं सुरेश भाई। ये अभी आप जो देख रहे हो ये बड़ा, ये इसको हम स्प्रेड एयर बोलते हैं, कि आगे का जो अपना जो मिट्टी एंड पाउडर था वो लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म को हम यहाँ से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जी। तो वहाँ से जो नोजल के थ्रू जो लिक्विड फॉर्म को ऊपर से स्प्रे किया जाएगा, तो स्प्रे के बाद वहाँ पे हीट दिया जाएगा तो उसका पाउडर फॉर्म बन जाएगा जी। और वो पाउडर फॉर्म जी, पाउडर फॉर्म बनने के बाद उसको यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है जी। वहाँ पे ये सब स्टोरेज टैंक है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी वहाँ पे स्टोरेज बन के रहेगी। जो लिक्विड था, रॉ मटेरियल था, वो पाउडर फॉर्म में बन गया है और बनने के बाद ये बड़े बड़े स्टोरेज टैंक होते हैं, इनको क्या बोलते हैं वैसे? आपने साइजा बोलते साइजा, ये उसमें हो जाता है। और उसके बाद जो कहाँ आता है वो रॉ मटेरियल जो मैं आपको बताऊँ, अभी हाँ। तो वहाँ पे लिक्विड फॉर्म हाँ था, अभी वो ऐसा पाउडर फॉर्म बन जाएगा, वो ऐसा पाउडर
में बदल गया है। अभी ये पाउडर, ये पूरा मिट्टी था वो सब मिक्स होके से पाउडर फॉर्म में बन चुका है जी। आपकी परमिशन हो तो मैं हाथ लगा सकता हूँ सर? ये देखिए, जो आपने जो यहाँ वहाँ लिक्विड देखा था वो ये ऐसा बन गया है। ये देखिए आप, वो आगे वापस कन्वर बेल्ट से आगे प्रोसेस होने के लिए चल दिया है। वो कैसे प्रोसेस होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और सुरेश भाई आपको तो ये जो अभी आपने देखा वो टाइल्स बनाने का एक पार्ट पूरा हुआ। सबसे पहला जो अलग अलग मिट्टी एंड पाउडर था उसको मिक्सिंग करके प्रॉपर पाउडर फॉर्म में बनाया गया हुआ है। अभी इसी पाउडर फॉर्म को हम आगे देखते हैं कैसे जा रहा है। वहां से इस पाउडर को प्रेसिंग किया जाएगा। ये जो पाउडर है वो पाउडर को लेके आगे तो प्रेसिंग होगा, पूरा मशीन पाउडर यहाँ पे आएगा। वो कन्वेयर बेल्ट से फ्रेश पाउडर आ रहा था वो यहाँ आया है और उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू हो रहा है यहाँ पे। पाउडर टाइल का रूप कहाँ से लेना शुरू करती है वो भी बताएंगे अभी। अभी जो पाउडर जो आया है पाउडर को इस प्रेस के अंदर प्रेसिंग किया जाएगा जी जी। आप देखोगे तो वो प्रेस चालू है जी। तो वहाँ पे पाउडर को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे पूरा टाइल्स बन जाएगा जी जी। अभी ये जो टाइल्स बनेगा वो कच्चा होगा। अच्छा, पकाया नहीं है। अच्छा, प्रेसिंग करके बना के रखा हुआ है जी। वो प्रेसिंग वहाँ से जो पाउडर आया है, इन मशीनों में ऐसा मैकेनिज्म होता है फ्रेंड्स की उस पाउडर को ये कच्ची टाइल्स के फॉर्म में बदल देता है। सुरेश भाई की टाइल फैक्ट्री में ये टाइल बनी है, अभी कच्ची है, इसको मैं तोड़ूंगा। ये टाइल तोड़ दी है मैंने, पकेगी कैसे या आगे पकी हुई टाइल कैसे होगी ये साइड में करना पड़ता है इसको, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। बिना टूटी हुई टाइल्स आगे पकने के लिए प्रोसेस होने के लिए इधर आती है। ये देखिए आप, ये इधर सेंसर लगे हुए होते हैं इनके फ्रेंड्स, ये सेंसर से निकल जाती है, कोई सेंसर बता देता कहाँ टाइल्स टूटी हुई है, उसके बाद आगे प्रोसेस के लिए आ जाती है। अभी आप सुरेश भाई अभी आप देखोगे तो ये जो 90% है मुझे पका हुआ है। अभी ये टाइल्स 100% पका नहीं है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ का टेम्परेचर भी निकाल, अभी कितना पका हुआ है ये देखिए, ये टाइल थोड़ी पकी हुई, इसका टेम्परेचर देखिए, ये इस टाइल का टेम्परेचर है 80 से 90 डिग्री। और आगे चलते हैं, आ जाइए बताइए सुरेश भाई। इसके बाद तो आप यहाँ से आगे बढ़ेगी गाइस जी, ये आगे टाइल्स चल रही है। ये अभी आप देखोगे तो डबल कट टाइल्स है। डबल कट टाइल्स के अंदर क्या होता है, पूरा मिट्टी से बना हुआ होता है, उसके ऊपर कोई ड्रेसिंग नहीं होता है, तो पूरा प्रेसिंग से पूरा डिजाइन सब कुछ बन जाता है। अभी यहाँ से वो टाइल्स पूरा फाइनल प्रोसेस में आगे बढ़ेगा कि जहाँ पे उसको पकाया जाएगा। ये देखिए, चलिए आगे। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पे इसको पिलर बोला जाता है जहाँ पे उसको टाइल्स को पकाया जाएगा। ये 200 मीटर लंबी है जी, यहाँ इस पूरे मशीन 200 मीटर लंबी मशीन में टाइल्स पक करके तैयार हो रही है, और तैयार हो करके हमारे सामने पकी हुई टाइल आएगी जिसको आप और हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं टूटेगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ सुरेश भाई? सही है, आपकी बात सही है। ये जो टाइल्स है इस वॉल पे घूमते घूमते आगे बढ़ रही है जी, बिल्कुल, क्योंकि ये वॉल घूमता घूमता है टाइल्स इसके ऊपर रहेगी तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाएगी जी। और आगे हम आपको टेम्परेचर से दिखा रहे हैं टाइल्स के अंदर कैसे जी, बिल्कुल। ये एक तरह का ओवन बोल सकते हैं टाइल्स का आप, ये फ्रेंड्स इस ओवन बहुत लंबा हो, यह लंबी मशीन है, तो
ओवन ही है, ये बहुत बड़ा धंधा ओवन है। सर ये बोल रहे हैं कि दोनों साइड से यहाँ पर हीट दी जाती है टाइल को, ऊपर और नीचे से, जिससे कि पत्थर तैयार हो सके। अभी यहाँ से हीट देना का काम पूरा हो रहा है, अभी यहाँ से वो हीट सेक्शन खत्म हो जाएगा, अभी यहाँ से टाइल को ठंडा किया जा रहा है। पहले इतना टाइल को गर्म किया, यहाँ से वापस टाइल को ठंडा करने का काम शुरू हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कूलिंग, ये जो प्रोसेस होगा वहाँ पे कूलिंग होगा, टाइल का कूलिंग सेक्शन आ गया अभी। आपके घरों में ऑफिस में टाइल्स लगने के बाद जो आपको फील गुड होता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। ऐसे भाइयों तो आपकी तरफ से ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, और ऐसे फैक्ट्री ओनर जो कि 100 करोड़, ऐसी फैक्ट्री लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, वो रिस्क लेकर के ऐसे टाइल्स बना करके भारत की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, इंडिया का ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाते हैं। पूरी फैक्ट्री कहाँ और कैसे ऑपरेट करनी है वो यहाँ से ऑपरेट होती है। ये पूरा ये देखिए कंप्यूटर सिस्टम से कहाँ कितना रॉ मटेरियल पहुंचना है, कहाँ कितना टेम्परेचर देना है, वो देखिए। और देखोगे तो 1200 डिग्री टेम्परेचर में टाइल्स पक्की आ रही है। जो आपने वो टाइल्स का ओवन देखा था बड़ा 200 मीटर लंबा, उसमें 1200 डिग्री टेम्परेचर है। जो टाइल्स पकने के बाद बाहर आई थी उसका आप ये देखिए पूरा मेजरमेंट, मैनुअली भी चेक, मशीन से तो होता ही है, मैनुअली भी चेक किया जाता है एक एक टाइल्स को पैक होने से पहले। बाहर से जब फिजल से टाइल्स आ जाने के बाद यहाँ पे टाइल्स का फिनिशिंग प्रोसेस होता है। अभी तक जो टाइल्स थी वो रफ प्रोसेस थी, अभी यहाँ से उसका एक एक साइजिंग एंड फिनिशिंग किया जाएगा। अभी आप देखोगे ये पूरा
के कारण थोड़ा गर्म रहती है ये। ये देखिए ये और सेंसर लगे हुए हैं। फ्रेंड्स फाइनली टाइल्स फैक्ट्री से तैयार होकर के पैक होकर के बाहर जाने को तैयार है। ये कर्मठ यहाँ पर वर्कर पैकिंग कर रहे हैं। देखिए आप ये टाइल्स देखिए फाइनली टाइल तैयार होकर के किस तरह से पैक हो रही है। फ्रेंड्स देखिए फाइनली फैक्ट्री से टाइल्स निकल करके किस तरह से मार्केट में जाने के लिए तैयार है। इस गाड़ी से ये टाइल्स ट्रक में जा रही है। देखिए आप ये ट्रक लोड हो रही है टाइल्स। ये देखिए ये मार्केट में चली है टाइल्स ट्रक में।